वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज राज्यों के राजस्व मंत्रियों के साथ 40वें जीएसटी परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। लॉकडाउन के बाद आज हुई पहली बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने राज्यों में राजस्व स्थिति की तस्वीरें की पेश। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार उन निजी नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएं जो लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को मजदूरी देने में रही विफल। शीर्ष अदालत ने कहा उद्योगों और मजदूरों को एक दूसरे की जरूरत है। कोर्ट ने कहा निजी नियोक्ता और श्रमिक मिलकर बैठकर बातचीत के जरिए मजदूरी का विवाद करें हल। कोविड-19 को रोकने के लिए राज्यों ने उठाए और कदम। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सप्ताह के अंत में छुट्टी की घोषणा की। संक्रमण के मद्देनजर शनिवार और रविवार को भोपाल रहेगा बंद। वहीं कर्नाटक कैबिनेट ने पहले से 7वीं कक्षा के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई पर लगाई रोक। देश में कोविड-19 के ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से ज्यादा। रिकवरी रेट हुआ 49.47%। 1,47,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,41,000। और विश्व भर में कोरोना वायरस से 75,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मरने वालों की संख्या 4,20,000 के पार। अमेरिका में 20,00,000 से अधिक कोरोना मामले की पुष्टि। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्थ ब्लॉक में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के वित्त राज्य मंत्रियों द्वारा जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण अपने अपने राज्यों में राजस्व नुकसान का आकलन प्रस्तुत किया गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार मिल रहे जीएसटी परिषद की इस बैठक में देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से राजस्व में कमी और राज्यों के मुआवजों पर चर्चा की गई। इस साल 14 मार्च को परिषद की पिछली बैठक में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधता पर गौर करेगी। परिषद में जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोष जुटाने के तरीकों पर भी विचार किया गया। राज्यों को मुआवजे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। और साफ तौर पर जो अब तक बड़ी राहत दी गई है जीएसटी की परिषद की आज 40वीं बैठक। सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए 30 जून तक जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग में ढील दी है। 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को ब्याज, लेट फीस या जुर्माना नहीं देना होगा। साथ ही बड़ी कंपनियों के लिए विलंब शुल्क और जुर्माना लागू नहीं होगा। केवल 9% की कम दर पर ब्याज लिया जाएगा। ये अब तक की बड़ी बातें हैं। सरकार ने SMS के माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर GSTR 3B दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है। साथ ही कॉम्पनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख अब 30 जून तक कर दी गई है। साथ ही सरकार ने जो मार्च अप्रैल में आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना था मई तक, उसको 30 जून तक कर दिया है। ये जो तमाम ढिलाई दी गई है जीएसटी की 40वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है उन्होंने की है। ये बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी। रुक करते हैं अगली खबर का। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों को पूर्ण प्राथमिक नहीं देने वाली निजी प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कहा कि उद्योगों और श्रमिकों को एक दूसरे की जरूरत है और साथ ही उन्हें जो पारिश्रमिक है उसके भुगतान का मुद्दा एक साथ बैठकर सुलझाना होगा। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निजी प्रतिष्ठानों की याचिका पर अपना आदेश सुनाते हुए राज्य सरकारों से कहा कि इस तरह के समाधान की प्रक्रिया की सुविधा मुहैया कराई जाए और इस बारे में संबंधित श्रमयुक्त के यहां अपनी रिपोर्ट पेश की जाए। इस बीच केंद्र को गृह मंत्रालय के
29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इसी सर्कुलर में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को पूरा भुगतान देंगे। पीठ ने इस सर्कुलर की वैधता को चुनौती देने वाली तमाम कंपनियों की याचिकाओं को अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। लॉकडाउन के कारण टिकट रद्द करने पर एयरलाइंस कंपनियों द्वारा यात्रियों को दिए जाने वाले रिफंड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपने मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो एयरलाइंस से रिफंड के तौर तरीकों पर चर्चा करें और अदालत को जवाब दें। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्रेडिट के इस्तेमाल के लिए एयरलाइंस द्वारा कम समय की अवधि या उसी रूट पर उपयोग की शर्त क्यों लगाई जा रही है। कोर्ट ने कहा कि क्रेडिट इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए, साथ ही इस्तेमाल में रूट की बाध्यता नहीं लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टाल दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों से 3 दिन के भीतर संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए कहा, ताकि ये तय किया जा सके कि 31 अगस्त तक 6 महीनों की अवधि के दौरान मॉरेटोरियम पीरियड यानी कि ईएमआई पर ब्याज बैंकों द्वारा वसूला जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक सुनवाई को स्थगित करते हुए कहा कि ये सवाल ब्याज पर ब्याज तक सीमित है और ये नहीं कि ब्याज 6 महीने की ईएमआई मॉरेटोरियम अवधि के लिए पूरी तरह से माफ किया गया है या नहीं। एसबीआई ने कहा कि सभी बैंकों का विचार है कि ब्याज 6 महीने की ईएमआई और मॉरेटोरियम अवधि के लिए माफ नहीं किया जा सकता। साथ ही एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो एसिम्प्टोमैटिक संक्रमित लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन कराने के बजाय संस्थागत क्वारंटाइन कराए जाने को लेकर नोएडा जिलाधिकारी के आदेश की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के विपरीत दिशा निर्देश नहीं हो सकते, ऐसी स्थितियां परेशानी पैदा कर सकती हैं। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा जिलाधिकारी से अपने आदेश की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी। और उच्चतम न्यायालय के कई आदेशों के बारे में और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, सबसे पहले तो जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है, खासतौर पर जब हम श्रमिकों का जिक्र करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक हैं अगर उनको पूर्ण अपनी जो भुगतान नहीं दिया गया तो कार्रवाई ना की जाए दंडात्मक, बल्कि बैठकर बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाहे हम बात करें जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बिल्कुल आंचल, देखिए यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कोई भी डायरेक्शन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि आप उद्योगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर उनको किसी तरह की कोई आय नहीं है तो वो पूरा भुगतान करें, लेकिन कोई मध्यमार्ग दोनों पक्षों को बैठकर निकालना होगा। और जहां तक केंद्र से, हालांकि कोर्ट ने अपना रुख साफ करने के लिए कहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी पहले ये कहा कि ये जो मामला है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का है। उस वक्त एक जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसका एक बड़ा उद्देश्य ये था कि जो मास माइग्रेशन हो रहा था उसको रोका जा सके, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि काम उन्हें मिलेगा और उनको कुछ आमदनी होगी, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाएं। लेकिन अब फिलहाल ये मामला एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का है और कोर्ट ये चाहता है कि जितने राज्य सरकारें हैं वो पहल करें, एक किसी तरह से दोनों पक्षों के बीच बैठकें करवाएं, किसी निर्णय पर जब ये पहुंचते हैं तो उसकी जानकारी संबंधित क्षेत्र के जो लेबर कमिश्नर श्रम आयुक्त होते हैं उनको दी जाए कि ये नतीजे पर पहुंचे हैं बैठक के बाद, और ये प्रक्रिया अपनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा इस पर और केंद्र सरकार अपना जो नजरिया है उसको औपचारिक तौर पर लिखित में भी रखेगी, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार का भी ये कहना है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को मिलकर आपस में तय कर लेना चाहिए कि वो उसमें किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और कोर्ट भी कुछ इसी तरह के रुख के साथ सामने आए हैं कि किसी तरह का कोई अभी दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल ना की जाए एम्प्लॉयर्स के ऊपर, अगर वो वायलेट भी करते हैं पुराने नोटिफिकेशन को तो अब साफ हो पाएगा कि किस नतीजे पर पहुंचते हैं दोनों पक्ष मिल बैठ जी। और साथ ही एक और जो अन्य हमने
फैसला देखा, साफ तौर पर विकास वो था कि सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस को रिफंड के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए भी कहा है कि किस तरह से हम बाध्य नहीं कर सकते किसी भी कस्टमर को कि वो उसी रूट पर ट्रैवल करे, साथ ही साथ क्रेडिट का इस्तेमाल करने के लिए 2 साल कम से कम देने चाहिए, इस तरह से कोर्ट ने कहा है। तो इस पर क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, कोर्ट ने इस पर अभी फिलहाल कोई किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया, ना अंतरिम आदेश दिया, और अभी मामला सुनवाई के लिए बचा है। लेकिन कोर्ट ने 2 बातें जरूर उठाई यहाँ पर कि एयरलाइंस भले ही अगर वो पैसे वापस नहीं दे रहे हैं और वो क्रेडिट कर रहे हैं या वाउचर दे रहे हैं, तो कम से कम उसकी एक मियाद बढ़ा के रखें और रूट के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दें पैसेंजर को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अब वो पैसेंजर जब किसी खास तारीख को किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है तो आगे भी वो उसी जगह जाना चाहेगा। तो वो दो चीजों के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी पर विचार करें एयरलाइंस की। पहला, इसकी समय सीमा को बढ़ाएं कि वाउचर कब तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा, रूट्स ऑप्शन बढ़ाएं, केवल ये ना रखें कि जिस रूट के लिए टिकट बुक की गई थी केवल उसी जगह के लिए आप उस वाउचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एयरलाइंस को अपना जवाब है, उसके साथ वो वापस आएंगे सुप्रीम कोर्ट में और सब कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। जी, और बिल्कुल संक्षिप्त में आखिरी सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के मामले से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एसिम्प्टोमेटिक संक्रमित लोगों को होम क्वारंटाइन करने के बजाय संस्थागत क्वारंटाइन कराया गया, नोएडा जिलाधिकारी का जो आदेश था उसकी आलोचना की। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के विपरीत कोई भी दिशा निर्देश नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, देखिए एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उनको जो गाइडलाइंस हैं, जो यूनियन की गाइडलाइंस हैं एमएचए की, उसके हिसाब से उनको होम क्वारंटीन ही दिया जाना चाहिए। जैसे दिल्ली में ये किया जा रहा है कि होम क्वारंटीन के लिए सरकार कह रही है कि अगर आपको किसी तरह के सिम्टम नहीं है तो आप वहीं रहें, लेकिन नोएडा में इसका पालन नहीं हो रहा है और डीएम ने ये कहा कि सभी को आप क्वारंटीन फैसिलिटी पर ले जाएं। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि इससे बहुत अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बहुत ज्यादा होंगे, तो आपके पास उतनी फैसिलिटीज भी नहीं है जितने आप पेशेंट्स को एकोमोडेट कर सकें और इन्फेक्शन के खतरे बढ़ेंगे। इस तरह से सिम्प्टोमेटिक लोगों को ज्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं ऐसी फैसिलिटीज में जाने से। तो होम क्वारंटाइन का अगर डायरेक्शन है गाइडलाइन में तो उसका पालन होना चाहिए और इसीलिए डीएम नोएडा को बोला है कि वो अपने आदेश पर पुनर्विचार करें और यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है कि स्पेसिफिक एक जिले के लिए इस तरह की गाइडलाइन क्यों बनाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम अलग अलग जो मामले थे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए उस पर ताज़ा रोशनी डालने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का, कोविड के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 141,842 हो गए, वहीं 147,194 लोग कोविड 19 को हरा कर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 8,498 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों से ज़्यादा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने फैसला लिया और शनिवार और रविवार को भोपाल बंद रहेगा। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मरीजों के उपचार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेपी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में आए मरीज को उपचार नहीं मिलने के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कल दिन में करीबन 7,971 टेस्ट किए गए जो कि एक रिकॉर्ड है। हजारों सैंपल्स में कोरोना पॉजिटिव की संख्या केवल 192 रही। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट जो है वो 65% से भी ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना काबू में है। पूरा मध्य प्रदेश लगभग संभल गया है। भोपाल का है, अब आज ये भी तय किया है कि अब भोपाल 5 दिन खुलेगा, पूरा भोपाल खुलेगा 5 दिन और 2 दिन शनिवार इतवार इसको बंद रखेंगे। और वहीं कर्नाटक में राज्य कैबिनेट ने कक्षा 1 से 7वीं तक ऑनलाइन क्लासेस को रोकने का फैसला किया है। इससे पहले बुधवार को कैबिनेट ने 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन क्लासेस को रोका था। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से देश भर में स्कूल 25 मार्च से ही बंद हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूलों की ओर से फीस लेने पर भी तत्काल रोक लगनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले निर्धारित 25 जून को ही उसे कराने का निर्णय लिया है। हालांकि राज्य में इन बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठ रही थी, लेकिन सरकार ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर तमाम
एहतियाती उपायों के साथ परीक्षा कराने की पूरी तैयारी है। साथ ही तेलंगाना और तमिलनाडु ने पहले ही 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। Idea when to start schools, but we will have examination as per schedule. We will have examination and online things will extend up to 7th standard. We have told up to 5th standard there cannot be online education. Now we have decided it has to be extended up to 7th standard. वरिष्ठ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इस तरह मुंडे ठाकरे सरकार में संक्रमित होने वाले तीसरे मंत्री हो गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। धनंजय मुंडे पर्ली के विधायक हैं। ये पिछले साल विधायक चुने गए। मुंडे ठाकरे सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमित मृतकों के शवों के साथ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में असम्मानजनक व्यवहार के लिए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कोविड-19 मृतकों के शवों को सम्मानजनक तरीके से ना रखने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। कोविड-19 मरीजों के इलाज और मृतकों के शवों को सम्मानजनक तौर पर रखने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट अगले बुधवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोविड से मरीजों के इलाज और अन्य इंतजामों का जायजा लेकर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। अदालत ने दिल्ली के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। अस्पताल कोविड मृतकों के शवों को सम्मानजनक स्थिति में नहीं रख रहे हैं। कई मामलों में मृतक के परिवार को सूचना भी नहीं दी गई और कुछ मामलों में परिजन मृतक का ठीक तरीके से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2000 बाल श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया। योगी ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बच्चों को बाल श्रम करना पड़ता है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, उनमें बालकों को 1000 रुपये प्रति माह और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह देने की व्यवस्था की गई है। वहीं कक्षा 8, 9 और 10 पास करने पर उन्हें हर कक्षा के लिए 6000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ऐसे बच्चों को जिन्हें इनके बचपन में स्कूल जाने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को संवारने और अपने प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को देने का अवसर मिलना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। राज्यसभा की 24 सीटों पर 19 जून को मतदान होना है, जबकि आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। शुरू में 55 सीटों पर चुनाव के ऐलान के बाद 37 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें से 18 सीटें अभी भी खाली हैं, जिन पर चुनाव अब 19 जून को होगा। बाद में चुनाव आयोग द्वारा 6 सीटों को और शामिल किए जाने के बाद अब चुनाव कुल 24 सीटों पर हो रहा है। इन 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला 4 राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड शामिल हैं। राजस्थान में 3 सीटें हैं, जबकि यहां पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उसी तरीके से झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होना है और यहां पर भी 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं गुजरात में 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस लिहाज से इन राज्यों में चुनावी मुकाबला कड़ा होने की पूरी उम्मीद है। वहीं कर्नाटक की 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार ही हैं और यहां पर मुकाबला अब आमने सामने नहीं, बल्कि यहां वोटिंग की भी कोई संभावना नहीं दिख रही। वहीं आंध्र प्रदेश में सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के जीतने की उम्मीद है। 24 सीटों पर होने वाले
चुनाव में झारखंड से जेएमएम नेता शिव सोरेन, मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कर्नाटक से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्यसभा में पहुंचने की पूरी संभावना है। विदेशों में फंसे भारतीयों की वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापसी जारी है। मिशन के तीसरे चरण में आज आबूधाबी से त्रिवेंद्रम और मुंबई के लिए विशेष उड़ानें रवाना हुई, जिनमें 362 भारतीयों की वतन वापसी होगी। वंदे भारत मिशन के तहत मुंबई के लिए ये पहली उड़ान है। इससे पहले दोहा त्रिची फ्लाइट ने 176 यात्रियों के साथ उड़ान भरी, जिसमें 3 नवजात शिशु भी शामिल हैं। और अब अगली खबर ट्विटर से जुड़ी हुई, जिसने चीन का प्रोपोगेंडा फैलाने वाले अकाउंट पर बेहद सख्त कार्रवाई की। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा और प्रोपोगेंडा फैलाने वाले करीब 1,75,000 अकाउंट्स को ट्विटर ने हटा दिया। आज एक बयान के जरिए ट्विटर ने यह बड़ी जानकारी दी। ट्विटर से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक ये अकाउंट कोरोना वायरस और हांगकांग जैसे मसलों को लेकर दुनिया में भ्रम फैला रहे थे। साथ ही अकाउंट चीन की सत्ताधारी पार्टी के प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे, जो ट्विटर की नीतियों के खिलाफ है। ये हाल ही के दिनों में किसी देश से जुड़ी अकाउंट पर ट्विटर की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ट्विटर के मुताबिक चीन सुनियोजित तरीके से राजनीतिक तौर पर भ्रम फैलाने के लिए ट्विटर का दुरुपयोग कर रहा था। इसके अलावा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले रूस और टर्की के हजारों अकाउंट्स को भी ट्विटर ने हटाया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या कई गुना बढ़ रही है। जॉन्स हॉकिंस के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 से 75,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए और 4,20,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अकेले अमेरिका में 20,22,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए। यहां 1,13,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी में चपेट में आने की संभावना जताई गई और साथ ही साथ उनकी मौत हुई है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक प्रभावित ब्राजील 8,02,000 से अधिक मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद रूस में 5,01,000 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है। ब्रिटेन चौथे स्थान पर है, जिसमें कोरोना वायरस के 2,92,000 से अधिक पुष्ट मामले हैं। हालांकि कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कई देशों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अमेरिका द्वारा उसके कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आर्थिक और यात्रा प्रतिबंधों को धमकी और कानून के काम में हस्तक्षेप का एक अस्वीकार्य प्रयास बताया। आईसीसी ने कहा कि इस मामले में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ वो खड़ा है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पारित कर अदालत के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ये अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अमेरिकी सैन्य बलों ने अफगानिस्तान में युद्ध अपराध किए हैं। इस आदेश के बाद अब अमेरिकी प्रशासन को आईसीसी के कर्मचारियों की संपत्तियों को अवरुद्ध करने और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोकने की अनुमति मिल गई। इस मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को एक कंगारू कोर्ट बताया है। पोम्पियो ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आईसीसी अधिकारियों के परिजनों को भी अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रमुख ने घटनाक्रम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने आईसीसी को यूरोपीय संघ के समर्थन की बात दोहराई। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण बताते हुए ट्रंप के कदम का समर्थन किया है। रुक करते अगली खबर का। केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किए जाने से कृषि क्षेत्र में सुधारों को नई दिशा मिली, विशेषकर कोविड-19 की इन परिस्थितियों में जब कृषि उत्पादन तो भरपूर है लेकिन उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाने के कारण किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। 6 दशकों से भी अधिक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और सारी बंदिशें हट जाने के बाद बिहार के किसान, उद्यमी और कृषि उत्पादों का विपणन करने वाले व्यवसायी इससे खुश हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट। नए अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश भर के किसानों में इस बात को लेकर खुशी है कि अब वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे।
अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे अब फसलों की खरीद बिक्री को लेकर सभी तरह की बंदिशें हट गई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जो नीति बनाए, इससे एक देश एक बाजार हो गया। आज हम लोग किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए कहीं भी छूट है। हमने पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल में कुछ किसानों से इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानी। जो सरकार ने योजना बनाई है, इस योजना से हम लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। पटना की मंडी में मधुबनी से दाल बेचने आए किसान दुर्गानंद इस बात से खुश हैं कि अब उन्हें आज़ादी है कि जहां अच्छा दाम मिलेगा वहीं वे अपने उत्पाद बेच सकेंगे। पहले जो भी मसूर रहता था वो अपने अढ़किया के थ्रू अढ़किया के पास दरभंगा में ही बेच दिया करता था, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब देश के किसी भी कोने में कोई भी किसान जाके अपना माल बेच सकता है, तब से मैंने पटना आके श्री ब्रजेश कुमार के जो मिलर है उनके पास मैं अपना माल बेच रहा हूँ। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के मंत्री ब्रजेश कुमार दाल मिल के मालिक भी हैं। इनका कहना है कि बिहार में श्रम बल काफी है और अगर विदेशी निवेश हो तो ये कृषि और व्यवसाय के लिए लाभकारी होगा। प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय सरकार ने जो वन इंडिया वन फार्मर वन सेलर वन बायर का जो नियम अभी जो लागू किया है वो किसान के हित में अत्यधिक फायदेमंद है तथा कंज्यूमर के हित में भी अत्यधिक फायदेमंद है। केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश में जहां उत्पादकों, भंडारकर्ताओं और विक्रेताओं का ध्यान रखा है, वहीं इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को मिलने वाले अनाज में कोई बाधा ना पहुंचे। सरकार आपात परिस्थितियों में इस पे नियंत्रण भी लागू कर सकती है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी और मसौढ़ी से सीमा सिंह के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।